सो वेलकम है आप सभी का फिर से मार्टिन मगरी यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो आज यार मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक मैच खेलते हैं, उसका फुल रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके डाल देंगे। बट यार प्रॉब्लम ये है कि फुल मैच खेलूंगा तो अगर सर्वाइव करूंगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा और आप भी बोर होकर छोड़ दोगे। तो मैंने सोचा शुरुआत में ही रस करते हैं, और रस करने के लिए यार बंदे चाहिए होते हैं शुरुआत में। और मेरी लकीली क्या होता है कि मिल में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, तो यहाँ पर अभी इनको देखो मैं कैसे मारूंगा और कैसे यहाँ पर सर्वाइव करूँगा। तो यहाँ पे अभी मेरा जो रैंक है वो ग्रैंड मास्टर 2 है, और यहाँ पे मेरा जो गलत लैंडिंग हो गया और शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हूँ, और जहाँ भी जा रहा हूँ यार बंदे ही बंदे पूरा, जो स्कैनर है जो भी था वो भी भरा हुआ था, और आसपास भी बंदे फायरिंग कर रहे हैं और बंदे मर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे तैसे बचते बचाते आगे की तरफ आया, और यहाँ पे मेरे को मिल चुका है एक गन, और यहाँ पे अभी मेरे पास एक मेडिकल किट भी है, तो इससे मैं हील करने के लिए भी सोचूंगा। तो यहाँ पे पहले कवर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आगे की तरफ आके मेरे को मिल गया था XM8, और यहाँ पे बस थोड़ा देखता हूँ आगे की तरफ एक बंदा होता है जिसको मैंने दिया है एक हेडशॉट और वो ख़त्म। तो यहाँ पे बस मेरे हो चुका है पहला किल, और हील करते हैं क्योंकि आसपास ही बंदा है और अभी इतना ज़्यादा HP नहीं है, ना ही इतना अच्छा गन है कि मैं एक बंदे को मार रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे तरफ आया और एक बंदा मेरे को देखा, तो मैंने सोचा कि वो मेरे को ना देखे, बट उसने मेरे को देख लिया था और मेरे ऊपर उसने रस कर दिया। बट मैंने इसको जैसे तैसे यहाँ पे डाउन किया, बट इसका जो है सोनिया ऑन हो गया था, फिर भी मैंने इसको हेडशॉट से ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे अभी मेरा जितना HP था पहले फिर से उतना ही हो गया, या फिर उससे भी कम हो गया। बट अभी मेरे पास एक चलो मेडिकिट था और एक इनहेलर था, उसका यूज़ किया, और सामने की तरफ से एक और बंदा मेरे को दिख गया था, और इसको मैंने दिया एक प्यारा सा हेडशॉट, जो कि अभी मेरे पास मौका है पूरा फुल रस करने का क्योंकि डैमेज है, और सीधा मैं रस करने के बाद इसको कर देता हूँ ख़त्म। तो यहाँ पे हो चुके हैं मेरे 3 किल, और यहाँ पे अभी भी एक बंदा है शायद से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हील करते हैं, मतलब हील नहीं लूट करते हैं, और आगे की तरफ आया और उस बंदे ने मेरे को फिर से डैमेज देना स्टार्ट कर दिया, एक बंदा था ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अभी क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वेट करते हैं, और जैसे ही उसने मेरे को मुँह दिखाया इसको मैंने दिया प्यारा सा हेडशॉट और ख़त्म। तो बस इतने ही बंदे थे यार मिल में, जो भी बंदे थे बाकी यार आपस में लड़के मर गए या फिर वो भाग गए मिल से। तो अब बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लूट करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ही पूरा जो मिल पूरा साफ कर लेता हूँ, और वेंडिंग में आके मैं थोड़ा बहुत सामान वगैरह खरीदता हूँ जो भी मेरे को खरीदना होता है। बस इतना कुछ करने के बाद, आर्सेनल की खरीदने के बाद, मैं सोचता हूँ आप चलते हैं आगे की तरफ और रस करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक ग्लोबल वगैरह दिख रहा था, मतलब यहाँ पे बंदे हो सकते हैं और बंदे मिलते भी हैं। तो यहाँ पे देखो एक बंदा सामने की तरफ फायरिंग कर रहा है जिसको मैं पीछे से देता हूँ थोड़ा बहुत डैमेज, हेडशॉट से नहीं लगता है बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज उसको बॉडी देखी, ये बंदा नॉक हो जाता है, मतलब उसका सोनिया ऑन हो जाता है और ये फाइनली नॉक भी हो गया है। तो इसको पूरा भर देता हूँ, और भरते भरते राइट से मेरे को आवाज़ आती है गाड़ी की, जो कि बंदा मोटरसाइकिल लेके आया होता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो ये रहा बंदा, इसको मैंने दिया प्यारा सा हेडशॉट, और डैमेज होने के बाद मैं सीधा किया आगे तरफ रश किया। तो वो बंदा क्या करता है यार, हील करता है अपने आप को, तो हील होते ही वो पीछे की तरफ भागने लगता है, तो मैंने इसको पीछे की तरफ भागने तो नहीं दिया और ये बंदा ख़त्म कर दिया मैंने। तो इसके साथ मेरे हो चुके हैं 6 किल, और इसका जो बाइक था मैंने साइड कर लिया, लूट करने में थोड़ा परेशानी दे सकता है, अगर मेरे को बंदा मारे तो ग्लूवॉल भी नहीं डाल पाऊंगा। तो बस इसका लूट करने के बाद मैं गया आगे की तरफ, जो बंदा था उसका भी यहाँ पे मैंने लूट पेटी पूरा जैसे लूट लिया, और इतना लूट करने के बाद मैंने क्या किया, फाइनली आर्सेनल खोला, और आर्सेनल से मेरे को मिल गया था यहाँ पे लेवल 3 का कार, और लेवल 3 का M10 भी मिल जाता है जो कि दूसरे पास से मतलब है, तो देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो ये रहा M10 लेवल 3 का, और यहाँ पे मेरा फाइनली लूट कंप्लीट हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, और अब मेरे को करना था रस। तो रस करने के लिए सबसे सही जगह होती है बीमा शक्ति, क्योंकि बीमा शक्ति में आपको पक्का ना पक्का एक बंदा मिल जाएगा, एक ना एक बंदा मिल जाता है यार थोड़ी देर के बाद आओगे। तो यहाँ पे आया लेकिन एक बंदा नहीं, यहाँ पे काफ़ी बंदे थे। तो सबसे पहले ये वाला जो बंदा होता है इससे शायद से डैमेज खाया होता है किससे, तो इससे हमें दिया डैमेज, और ये बस थोड़ी देर के बाद नॉक होने वाला है, नॉक नहीं पूरा ख़त्म हो गया। तो ये बस हो गया मेरे यहाँ पे 7 किल, और इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ आगे तरफ जाता हूँ, और ये वाला जो बंदा होता है किसी के ऊपर फायरिंग दे रहा था, तो इसको मैंने ख़त्म करने के बाद जो बंदा था सामने की तरफ उसको मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं जो सामने की तरफ उसने ग्लूबल डाल दिया था, और ये जो बंदा है किसी और बंदे के हाथों मर जाता है यार, किल चोरी हो जाता है, मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। तो बस अभी क्या ही कर सकते हैं, तो बस आगे की तरफ आता हूँ और लूट वगैरह करने के लिए सोचता हूँ। तो यहाँ पे इधर उधर करने के बाद यहाँ पे लूट वगैरह करता हूँ, तो लूट करने के लिए मेरे को ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी मैंने यार पता नहीं क्यों लूट कर लिया। और यहाँ पे घर के आने के बाद मतलब घर में आया और मेडिकिट फेंक दिया, क्योंकि मैं मेडिकिट यूज़ नहीं करता नॉर्मल जब मेरे पास सुपर मेडिकिट हो, तो यहाँ पे सुपर मेडिकिट मैंने उठा लिया था। और बस आगे की तरफ गया, एक बंदा फायरिंग कर रहा था जिसको मैंने दिया प्यारा सा हेडशॉट, और उसने यार ग्लूवल डाल के पैक कर लिया, पैक नहीं घेर लिया थोड़ा सा। तो अभी क्या कर सकते हैं यार, रश कर सकते हैं, बट रश करने के लिए पीछे से भी एक बंदा डैमेज दे रहा था, तो फिर भी मैंने सोचा छोड़ो भाई इसको पहले रश करके ख़त्म करते हैं। तो सीधा रश किया और उसको मौका भी नहीं मिला कि वो
अपने आप को हील करे या फिर कुछ कर पाए। तो यहाँ पे मैंने इसको फाइनली फिनिश कर दिया और अभी मैं जोन में फंस सकता हूँ क्योंकि यार जोन अभी देख सकते हो आगे तरफ चला गया है और एक बंदा है जो कि जोन के अंदर ही है जो कि मेरे को डैमेज भी दे रहा था। तो अभी देखते हैं कि इधर गया बंदा, तो आगे की तरफ भी था और ये बंदा मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज भी देता है। तो अच्छा खेल रहा था वैसे बंदा ये, तो अब कुछ नहीं कर सकता। बस राइट साइड में मैं गया और ये घर में आके मैं सोचा था थोड़ा बहुत हील करूँ, बट वो बंदा दिख गया, तो अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा हील कर लेते हैं। और हील करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं अब उससे फाइट लूँ या फिर लॉन्च पैड लगा के भाग दूँ, क्योंकि मेरे पास लॉन्च पैड तो था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत डैमेज देने का ट्राई करते हैं, बट उसने मेरे को ही डैमेज दे दिया, बट मैंने थोड़ा बहुत डैमेज उसको दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को अब जाना है सीधा जोन के अंदर और मैंने सोचा सीधा लॉन्च पैड लगा के निकल लेते हैं आगे की तरफ। तो वो बंदा भी क्या करता है, वो भी बंदा आगे की तरफ ही आ रहा होता है, देख सकते हो इसको मैंने थोड़ा दिया डैमेज, या फिर वो बंदा वो नहीं था जो जिसको मैं मार रहा था, पता नहीं कौन था बट मैंने मार दिया इस बंदे को। तो बस इतना करने के बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ और मेरे एक फ्रेंड इसमें ग्रैंड मास्टर वाला प्लेयर है जो कि मेरे को बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे गेम में आता हूँ। तो यहाँ पे एसी फ्लेम नाम का भी जो बंदा मरा है वो ग्रैंड मास्टर में था और जो कि मेरे मैच में अक्सर आता है, बट यार मैं उस समय रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता जब वो आता है। तो फाइनली इस बार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो आ गया था, तो मैंने जब वापस से देखा जाके रिकॉर्डिंग में तो वो था, तो मतलब वो आया था मेरे मैच में, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ, बट वो पता नहीं कैसे उसने ध्यान दे दिया। तो अब बस इतना करने के बाद मैं आगे तरफ आ गया बातें करते करते। तो यहाँ पे एक बंदे हैं, एक नहीं काफ़ी बंदे यार, पूरा स्कैनर भर चुका है और ये बंदे ने अभी एक बंदे को मारा है, तो इसको देते हैं थोड़ा डैमेज। और यहाँ पे डैमेज बंदा बहुत हो गया था, तो अभी रश करने का टाइम आ गया था, बट उसने मेरे ऊपर रश कर दिया, पता नहीं क्या करके सोचा कि उसको रश करे, बट इसको मैंने यहाँ पे दे दिया डैमेज। और ये बंदा अपने को घेरने का ट्राई कर रहा था बट इसको मैंने घेरने नहीं दिया। और इसी के साथ हो गए हमारे 11 किल और 5 बंदे अभी भी अलाइव हैं। तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या होता है और आगे की तरफ चलेंगे। और एक घर के अंदर यहाँ पे ना बंदा दिखता है, देख सकते हो यहाँ पे सामने की तरफ ही बंदा होता है जिसको अभी मैं कैसे मारता हूँ। देखो यहाँ पे अभी उसने एक बंदे को मारा है, तो ये बंदा जैसे ही मुंह दिखाता है इसको देता हूँ थोड़ा डैमेज और उसका यहाँ पे सोनिया ऑन हो जाता है। एक और गोली मारने का ये बंदा भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हो चुकी है 12 किल और अभी भी 2 बंदे अलाइव हैं, मतलब सामने की तरफ 2 बंदे बचे हुए हैं, तो 3 प्लेयर अलाइव हैं। तो एक मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रोन वगैरह छोड़ा और लोकेशन वगैरह देखने का ट्राई कर रहा था क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं था कि बंदे किधर है। और पहले जब मैंने ड्रोन लगाया था तो मेरे को राइट साइड में बंदे दिखा था, तो मैंने सोचा कि राइट साइड में हो सकता है, तो सीधा मैं राइट साइड से आगे की तरफ गया और एक बंदा मेरे को दिख भी जाता है, तो उसको मैं मारने का सोचता हूँ, इसलिए मैं सीधा सीधा जाता हूँ रश करने, बट ध्यान से जाता हूँ क्योंकि अभी फालतू में अगर हेडशॉट वगैरह पड़ जाए तो पूरा मैच खराब हो जाएगा और वापस से यार रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा जो कि मेरा काफ़ी टाइम खराब करेगा, तो इतना अभी टाइम नहीं है। तो सबसे पहले इस बंदे को मारना होगा जो कि बंदा यहीं कहीं है, यही है सामने की तरफ है, तो इसको सबसे पहले मैं डैमेज देता हूँ जिससे मेरा जो है मौका ऑन हो जाता है और यहाँ पे सीधा आके इसको हेडशॉट दे देता हूँ। तो बस ये अपने आप को बंदा घेरने का ट्राई करता है और मैं सीधा जाता हूँ आगे की तरफ और ये बंदा किधर है, हाँ ये रहा, तो इसको मैं देता हूँ वापस से डैमेज और ये वापस से डाउन हो जाता है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, ग्लूबॉल तोड़ता हूँ, ग्लूबॉल तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे इसको पूरा भर देता हूँ। तो फाइनली हमारे हो गए हैं 13 किल और बस एक बंदा बचा हुआ है और अब मेरे को यार बुया तो बिल्कुल नहीं छोड़ना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बंदे की लोकेशन जानने के लिए मैंने क्या किया कि एक ड्रोन छोड़ दिया सामने की तरफ, तो ड्रोन छोड़ा मैंने सोचा कि सामने की तरफ बंदा है, बट ये तो मेरे यहीं पे बंदा था यार जहाँ पे मैंने अभी फाइट किया था, तो वो बंदा अभी मुंह तो नहीं दिखा रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और ये जो फ्रीज ग्रेनेड है वो फेंकते हैं क्योंकि इससे मेरे को लोकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैंने डैमेज दिया और थोड़ा बहुत लोकेशन मिला, बट ये बंदा क्या करता है यार, ये बंदा मेरे से टीम अप करने लग जाता है और अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, बंदा यार मेरे को मार नहीं रहा है। और अभी देखो लास्ट मतलब मैच ये कि वो सामने वाला बस एक ही बंदा बचा है, तो अभी टीम अप करने में कोई वो भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ एक काम करते हैं, अभी हील बैटल करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा चलो हील बैटल ही कर लेते हैं, तो इसमें कुछ बात है नहीं। तो यहाँ पे ये बंदा मतलब अच्छा था, वैसे मारा नहीं इसने मेरे को, ये सही होता है यार, ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं कि जो कि आपको डैमेज ना दे, मतलब मारे ना यार, कई बार ऐसा होता है कि आप टीम अप तो कर लो बंदा वो मार के चले जाता है। तो इस बंदे ने सारा का सारा सामान फेंक दिया, तो मेरे को पता चल गया कि ये अपना जो है कुछ भी अपने आप को एलिमिनेट करेगा। तो बस मैं सोच रहा था कि जैसे जोन आने लगेगा मैं जोन में जाके एलिमिनेट हो जाऊँगा, बट ये बंदा क्या करता है कि ये बंदा खुद ही मतलब अपने आप देसी जोन आता, देख सकते हो अभी। तो अभी मैं सोच रहा था कि जैसे जोन आने लग जाएगा मैं जोन में भाग जाऊंगा, बट ये बंदा पहले ही भाग जाता है मेरे से। मैंने इसको ग्लूबॉल डाल के रोकने की भी ट्राई किया बट अब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही सोच रहा था कि उसका सोनिया हो जिसके कारण मैं यहाँ पे एलिमिनेट हो जाऊँ, बट थोड़ा सा रह गया था यार HP और वो बंदा एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसे बुइया लेना नहीं था, बट आप बुइया हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, और उसने रिक्वेस्ट भेजा था तो मैंने उसका रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो पसंद आता तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।